अगर प्रयास ईमानदार हो तो नफरत पर जीत और साजिश पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इसकी ही एक तस्वीर पेश की है दरभंगा के जिलाधिकारी और एसएसपी और जिला प्रशासन की पूरी टीम ने। मुहर्रम का त्यौहार शुरू होने के साथ ही जिले भर में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार कहीं देरी से तो कहीं समय पहुंचकर पुलिस ने मामले को संभाल लिया। लेकिन विशेष रूप से 9वीं और 10वीं मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में निकले और सब कुछ सरलता के साथ संपन्न हो जाए, यह जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन डीएम और एसएसपी साहब ने जो रणनीति बनाई, आज उसकी चौतरफा तारीफ जिले भर में हो रही है। जब दरभंगा शहर के अंदर मिलान की रस्म पूरी की जा रही थी और दर्जनों अखाड़े शहर के सभी कोने से मिलान चौक पहुंच रहे थे, तब खुद एसपी साहब और डीएम साहब पूरे दलबल के साथ सड़कों की खाक छानते फिर रहे थे। कहीं से भी किसी प्रकार की सूचना आ रही थी तो सदर डीएसपी और एसडीओ तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू करने में जुट जाते थे। वरीय अधिकारियों को इस तरह मोर्चे से अगुवाई करता देख सड़कों पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों का भी मनोबल हाई था। यही कारण रहा कि कादिराबाद में प्रयास के बावजूद सौहार्द बिगाड़ने वाले सफल नहीं हो सके, तो वहीं रहमगंज में भी पुलिस ने माहौल बिगड़ने से पहले थाम लिया, जिसके बाद सब कुछ शांति के साथ संपन्न हो सका। और आज यानी रविवार को डीएम और एसपी साहब ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर स्थिति की जानकारी देते हुए जिले में फिर से इंटरनेट सेवा बहाल करने का ऐलान कर दिया।